बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से रिहा होने के बाद राजघाट पहुंचे हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है मनीष सिसोदिया ने। इससे पहले मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर भी गए थे। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया और उसके बाद आज का उनका यह घटनाक्रम, जिसमें सबसे पहले हनुमान जी के दर पर पहुंचे मनीष सिसोदिया और उसके बाद राजघाट गए, यहां बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए। आज सुबह एक पोस्ट किया था उन्होंने, उसमें आजादी की चाय का जिक्र किया था, जिसमें अपनी पत्नी के साथ वो बैठे हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद वे जब घर से बाहर निकले तो पहले धार्मिक कामकाज में दिखे, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, पांडवों के काल से इस हनुमान मंदिर की मान्यता है, और ऐसे में यहां इस मंदिर में जाकर मनीष सिसोदिया ने दर्शन किए। देखिए आप, उनके साथ संजय सिंह मौजूद हैं और उसके बाद राजघाट पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने बापू को भी नमन किया है।